सेवा का मूल्य सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं, यह कहना है सेवा संकल्प के अध्यक्ष सुरेश बड़ेरिया का, जिन्होंने जिला चिकित्सालय में खाली पड़ी जमीन में गरीब असहाय लोगों के लिए दो वक्त की रोटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक किचन की शुरुआत की, ताकि गरीबों को भोजन नसीब हो सके। लेकिन मानव सेवा का भाव लिए सुरेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि सतना जैसे शहर में वह एक दिन हजारों लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन का आश्रय स्थल खड़ा कर देंगे। कभी पन्नी और टीन सेट के नीचे चंद लोगों के लिए रोटी उपलब्ध कराने वाले सुरेश आज जन भागीदारी से सेवा संकल्प की स्थापना कर हजारों लोगों के लिए मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराते हैं। आइए सुरेश से ही जानते हैं कि आखिरकार उनके मन में किचन खोलने का विचार कैसे आया और वह कैसे मात्र 5 रुपए में लोगों को भोजन, मेडिकल उपकरण और अन्य सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। सुरेश जी, सेवा संकल्प की आपने शुरुआत कैसे की थी? हम लोग यहाँ जिला अस्पताल आते थे, देखते थे कि मरीजों के परिजन सब खुले में खाना बना रहे हैं, खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो बार बार ये विचार आता था कि इनके लिए कुछ किया जाए। आपस में कुछ मित्रों से चर्चा हुई कि इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो ये हुआ कि इनको भोजन निम्नतम दरों पर उपलब्ध कराया जाए। 5 रुपये भी जो रेट रखा वो इसलिए रखा कि किसी को ये न लगे कि हम भीख में ले रहे हैं, वो स्वाभिमान के साथ पैसे देकर खा रहा है। इस व्यवस्था के तहत इसका 14 फरवरी 2010 से यह कार्य शुरू हुआ। उस समय हम इस लोग इस भावना को लेकर तत्कालीन जिलाध्यक्ष श्री सुखवीर सिंह जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा है, मैं आपको जगह दे देता हूँ और आप 4-5 दिन के अंदर शुरू कर दीजिए। हम लोग 10 फरवरी को उनसे 2010 को उनसे मिले थे, तब यहाँ बगल में प्राइवेट वार्ड था और इस जगह कच्ची जगह थी, टीन सेट था, प्राइवेट वार्ड में स्टोर करके हम लोगों ने इस जगह पर कार्य शुरू किया। लोगों का सहयोग मिला, कार्य धीरे धीरे बढ़ा, फिर जन भागीदारी से इसके प्रथम तल का निर्माण हुआ और आगे बढ़े तो जन भागीदारी और समाज के लोगों से द्वितीय तल का निर्माण हुआ। सेवा के भोजन के साथ साथ शुरुआत भोजन हम लोगों ने एक समय पर शुरू की थी, इसके बाद सुबह और शाम दोनों समय भोजन शुरू करा। फिर कुछ आयाम हम लोगों ने और बढ़ाए, जैसे यहाँ पर लोगों के लिए शॉल ले जाने के लिए बहुत परेशानी होती थी, एम्बुलेंस के लिए बहुत परेशानी होती थी, तो लागत मूल्य पर हम लोगों के पास अब 4-5 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस है, 2 शव वाहन है और 2 अंतिम यात्रा वाहन है जो हम लोगों को लागत मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा एक मेडिकल उपकरण बैंक है जिसमें व्हील चेयर, पलंग और सामान लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। आज की डेट में कितने लोग यहाँ पर डेली खाना खा रहे हैं? प्रतिदिन जो साल का एवरेज जोड़ें तो 500 से 600 लोग होते हैं, जैसे आज 4-3 785 लोग हैं और ठंडी में कम होते तो एवरेज 600 से 700 लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं।